मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद श्रम विभाग ने मलेशिया में फंसे गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के 30 श्रमिकों को झारखंड वापस लाने की प्रक्रिया तेज कर दी। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त को पत्र लिख मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री से यूएस काउंसिल जनरल इन कोलकाता श्रीमती मेलिंडा एम पावेक ने मुलाकात की। इस क्रम में राज्य के आर्थिक विकास को मजबूत और तकनीकी ज्ञान साझा करने पर सार्थक बातचीत हुई। राज्यपाल श्री रमेश बैस और मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडर और झारखंड निवासी एसपी तिर्की के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा, शहीद के परिजनों के साथ सरकार की संवेदना है, परिजनों के मदद के लिए सरकार सदैव खड़ी है। मुख्यमंत्री से सीआरपीएफ के एडीजी श्री नितिन अग्रवाल और आईजी श्री राजीव सिंह ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को सीआरपीएफ के अधिकारियों ने राज्य में नक्सलियों के विरुद्ध जारी अभियान से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अभियान की गति को और बढ़ाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री झारखंड जगुआर के 14वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के कोने कोने में सुरक्षा का भाव, उसका संदेश, उसकी महक चारों ओर कैसे फैले, इसका संकल्प लेना है।